माला भी डालो इनको। अरे सर, गुरुग्राम के पावन धरती पर आपकी आज आगमन हुई, तो मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखो, आज वैसे तो हमारा एक कोई ऐसा राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, और हमारे गोरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिश्रा साहब, एडवोकेट हैं यहाँ के, तो इन्होंने विशेष आग्रह किया था कि हमारा प्रोग्राम है, आप यहाँ आए। मैं बिल्कुल जरूर आऊँगा, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, तो हम तो हर जगह सोचते हैं कि हमारी ताकत कहाँ से बढ़े। हमें सभी क्षेत्रों से लोगों को जोड़ना है, विधि प्रकोष्ठ है इनको भी साथ में लेके चलना है, व्यापार संघ है उनको भी लेके चलना है, आम जनता को भी साथ में लेके चलना है। तो ऐसे मैं हर सब जगह जाता हूँ, और कहीं हमारी कोई ऐसी कोई कमजोरियाँ हैं तो सोचता हूँ कि समय से पहले उनको पूर्ण कर लिया जाए। तो उसी में मिश्रा साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं उसमें आया हूँ, और मिश्रा साहब से मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारे असेंबली चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें विधि प्रकोष्ठ की तरफ से, आपके गोरक्षक तरफ से, आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से यहाँ समर्थन दें, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमारी सीटें निकलें, हमारे कैंडिडेट जीत के जाएं, और फिर तीसरी बार हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाए। गौरक्षा पे सर किस प्रकार वर्क कर रही है गुरुग्राम में ये संस्था? बिल्कुल, ये संस्था मैं देखता रहता हूँ, इनकी जो कार्यशैली बहुत अच्छी है, गुरुग्राम में ही बहुत अच्छा कार्य इनका चल रहा है। हर जगह ये जहाँ भी देखते हैं कि हमारी जो गौ माता है उसके ऊपर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसको बिल्कुल ये ध्यान देते हैं, अगर कहीं उसको चोट है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, अगर उसको कहीं अंधेसरी तस्कर ले जा रहे हैं तो उसका भी पीछा ये लोग करते हैं, और वहाँ तो खास करके ये अपनी लोग अपनी जान की बाजियां तक लगा देते हैं उनका पीछा करते करते, तो बड़ा ही इनका मेहनत और संघर्ष का काम है। तो मैं बिल्कुल इसके लिए इनको धन्यवाद कहता हूँ, और मैं सरकार से भी यही कहूँगा कि ऐसे हमारे जो गौरक्षक हैं, हमारे जो समाज सब कार्यकर्ता हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। सर, गुरुग्राम के लिए क्या योजना सर है आगे के लिए? देखो, गुरुग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हरियाणा की, वैसे तो पूरा ही हरियाणा एक अपनी अलग विशेष जगह रखता है, मगर गुरुग्राम में कुछ विशेष ही, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली NCR में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रह रहे, तो गुरुग्राम की एक बात कुछ अलग घूम जाती है। तो यहाँ विकास ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हुए हैं, अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई है तो बिल्कुल हमारी जो सरकार है डबल इंजन की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, दोनों मिलकर काम करेंगे, और जो कमियां रह गई हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर की जाए। क्या करना चाहेंगे सर हमारे प्रदेश निवासी, गुरुग्राम निवासी को, कि गौ हमारी माता है और उनको किस तरह से देखा जाए, उन्हें उनको उनकी सेवा की जाए, उनकी रक्षा की जाए? बिल्कुल, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि गौरक्षा एक बहुत ही बढ़िया पुण्य का काम है, और गौ माता हमारी एक ऐसी है जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है। हम नज़रअंदाज जरूर कर देते हैं, आप पूर्व में देखें कि गौ वंश से ही हमारा जो भी कृषि कार्य हमारे गौ वंश से होते थे, आज मशीनी युग बन गया है तो हम गोवंश को आज नजरअंदाज कर चुके हैं, कि पहले तो हमारी कृषि की का जो कार्य होता था गोवंश से ही होता था। तो गौ माता से हमें एक चीज नहीं मिलती, बहुत कुछ मिलता है। पहले आप देखिए जो वैद हमारे जो दवाइयां देते थे वो भी कहते थे गाय के दूध के साथ लेना, तो वो दवाई में जितनी ताकत नहीं होती थी, जड़ी बूटी में ताकत नहीं होती, उससे ज्यादा गौ दूध में होती, जो गौ माता का जो दूध होता है उसमें ताकत होती है। आज भी आप गाय का शुद्ध दूध पिए, आप अपनी देसी जो गाय है आप देखिए, आपके शरीर में कुछ अलग ही नहीं आएगा, बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। तो गाय माता हमारी आज से अधिक शुरू से हमारे हमारे जो देवी देवता है उस टाइम से इनकी बहुत बड़ी भूमिका महानता रही है,
तो मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा कि गाय माता को विशेष स्थान दें, अपने घर में पालें, उन्हें जहां भी उनको देखें कि उनके ऊपर कोई कहीं भी अगर रोड पे घूम रही कहीं घूम रही तो उनको आप ज्यादा नहीं तो एक एक गाय को अगर अपने घर पर रखेंगे तो गाय बाहर नहीं घूम पाएगी और जो लोग बाहर छोड़ते हैं शायद खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं राष्ट्रीय महासचिव मयंक सिंह और अच्छा नायक अच्छा सेवा करता आगरा से। आज प्रोग्राम में हमारे संगठन के संरक्षक कैप्टन एन सिंह भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ और वो अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त अपने संगठन को देने के लिए आज गुरुग्राम में आए। मैं उनका बहुत बहुत आभार और दंडवत प्रणाम करता हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी मेरे सभी कार्यकर्ता राज चौहान जी एवं अन्य सभी लोगों को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मार्गदर्शक के रूप में मैंने अपने राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में जो पद दिया था कैप्टन एन सिंह भदौरिया जी को, उनके मार्गदर्शन के साथ जो संगठन काम कर रहा है और बहुत ही तीव्रता के साथ काम करता चला आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं इस भारत देश के, मैं इंडिया नहीं बोलता हूँ क्योंकि इंडिया है ही नहीं, ना इंडिया था और ना होगा कभी और ना भविष्य में हो सकता है, पर मैं भारत कहता हूँ अपने देश को और कहता रहूंगा क्योंकि भारत में ही करीबन 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में मेरा प्रदेश, 4 प्रदेशों में काम कर रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ तक इस समय मेरा टीम तैयार कर हो चुकी है। और अब हमारा जो मुहिम चलने जा रही है वो नवंबर में एक साइकिल यात्रा शुरू होने जा रही है जो लखनऊ से सीतापुर, हरदोई, बरेली, मैनपुरी होती हुई आगरा होती हुई दिल्ली तक जाएगी। उसमें हमारी केवल एक ही मांग होगी कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, दूसरा लव जिहाद पर कठोर कानून बनाया जाए, जैसे कि दंडितों के लिए गैंगस्टर एक्ट बनाया गया है, रास्को बनाई गई है, एनएसए बनाई गई है, इन लोगों को भी यही होना चाहिए और इन केसों को जो टाइम बार्ड हो जाते हैं, इनके जो जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं, अति शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगकर इनको 6 महीने के अंदर इनका डिसीजन होना चाहिए। ये मैं सभी सरकार भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूँ और ये जो मेरी विनती है ये मेरे राष्ट्रीय संरक्षक कैप्टन एन सिंह भदौरिया जी सरकार तक पहुंचाएंगे, ये मैंने उनसे हाथ जोड़ के बनी निवेदन करता हूँ। माननीय आई सिंह भदौरिया जी, स्पोक्समैन भारतीय जनता पार्टी, इनका गुड़गांव आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इनका आभारी रहूंगा, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और एक बार कहने पे मेरे ऑफिस में आ गए, छोटे से ऑफिस में आ गए। मेरी समझ में नहीं आता मैं किन लफ्जों में इनका धन्यवाद करूँ। मैं समझता हूँ कि ये एहसान रहेगा इनका हमारे ऊपर, अरे हमारे संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, समय समय पर जैसे भी मदद की ज़रूरत होती है हमें इनसे मदद मिलती है, गाइडेंस मिलती है। और जहाँ कहीं मैं उलझन महसूस करता हूँ कि मैं उलझन में हूँ, चाहे वो रोड पे हो या रोड पे कई बार हमारी गाड़ियाँ रोक लेते हैं और जो बहुत तस्कर होते हैं उनकी गाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं, तो वहाँ पर तत्काल हमें सहायता मिलती है इनके माध्यम से। और मयंक जी 7 राज्य बताए जहाँ बैठे हैं, इसकी गिनती छोड़ दिया, हम 8 राज्यों में काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे गौ रक्षक बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं 8 राज्यों में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे हमारी टीम बनी हुई है और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक विशेष आग्रह करूँगा भदौरिया साहब से कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सरताज हैं, शिरोमणि हैं, सरस्वती ने विशेष कृपा दी है, माँ सरस्वती की विशेष कृपा है इनके, और मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा का चुनाव है, हमें कम से कम 5 सीट हरियाणा में देने की कृपा करें। हमारी जो शक्तियाँ हैं उनको हम देखा है, काफ़ी जागरूक कार्यकर्ता हैं हमारे पास में, जो काम कर रहे हैं या से काम कर रहे हैं, तो हरियाणा ने 5 सीट की मैं गुहार करता हूँ, 5 सीट की मैं ज़्यादा क्या बोल बाकी।
ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।